सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। भाजपा सरकार के 9 साल पूरे, आज से महाजन संपर्क अभियान। देश भर में 51 में रैलियां करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का कल अजमेर से रैली की शुरुआत है। मणिपुर सीएम के साथ अमित शाह ने मीटिंग की। सेना ने 2000 लोगों को हिंसाग्रस्त इलाके से निकाला। फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ राजद्रोह का केस। मैं टीवी जयचंद की पोती हूं, आपने उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया। दादा को मंत्री नहीं बनाने पर 7 साल की बच्ची ने राहुल गांधी को लिखा पत्र। भारत चीन के रिश्तों में बैलेंस की जरूरत। जयशंकर बोले, पिछले 3 सालों से बॉर्डर पर हम बेहद जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी का दावा, एमपी में 150 सीट लाएंगे। कमलनाथ ने कहा, सहमत हूं। सीएम शिवराज बोले, मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। एमवीए गठबंधन पर अजीत पवार का बयान, बोले भाजपा को हराने के लिए मिलकर लड़ेंगे चुनाव। क्या गिरीश चंद मुर्मू फिर चुने गए डब्ल्यूएचओ के बाहरी ऑडिटर। 2024 से 2027 तक का होगा कार्यकाल। लोकसभा चुनावों से पहले बहन के खिलाफ धनंजय मुंडे ने खोला मोर्चा, बोले बीट में इस बार एनसीपी ही जीतेगी। राहुल गांधी ने दिल्ली चंडीगढ़ यात्रा का साझा किया वीडियो। ट्रक ड्राइवरों के साथ बातचीत को बताया अद्भुत। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को झटका, इकलौते विधायक बायरन विश्वास टीएमसी में हुए शामिल। ऐसा लगा दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही है, क्या टीपू सुल्तान ने ये देखने के लिए कुर्बानी दी थी। ओवैसी का मोदी से सवाल। गहलोत पायलट के बीच 9वीं बार युद्ध विराम का ऐलान, लेकिन दोनों ही चुप रहे, केवल मुस्कान आई बाहर। बच्ची के शव को लेकर 10 किलोमीटर पैदल चले माता पिता। तमिलनाडु में सांप के डसने से मौत हुई थी, घर जाते हुए एम्बुलेंस ने रास्ते में उतारा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक नागरिक को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। जम्मू में दर्दनाक सड़क हादसा। जम्मू के झज्जर कोटली में एक खाई में गिरी बस, 10 लोगों की मौत, 20 घायल हुए। राज्यपाल ने किया बकरी मेला का उद्घाटन। मथुरा के केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र में लगाया गया है मेला। महामहिम ने पुस्तकों का विमोचन भी किया। पीजीए बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले। जागृति बिहार समेत 4 आवासीय योजनाओं के फ्लैटों के नहीं बढ़ेंगे दाम। कर्मचारियों का चिकित्सा भत्ता बढ़ा। योगेंद्र यादव बोले, कल की घटना से न्याय धर्म दोनों शर्मसार। पहलवानों के साथ मारपीट और उन पर एफआईआर, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। बलिया में बीई और डीसी को नोटिस। डीएम बोले, कस्तूरबा विद्यालय की स्थिति सुधारे, छात्रों और अध्यापकों की शत प्रतिशत उपस्थिति।
वाराणसी में गंगा दशहरा का महा स्नान शुरू, घाटों पर उमड़े श्रद्धालु गंगा अवतरण दिवस पर स्नान से कट जाएंगे। गोरखपुर में दूसरी महिला तांत्रिक की भी मौत, दो तांत्रिक महिलाओं पर बदमाशों ने हथौड़े से किया था हमला, देवरिया से आई थी लास्ट कॉल। नाबालिग को गोरखपुर से महाराष्ट्र बुलाकर किया रेप, फेसबुक से हुई थी दोस्ती, आरोपी को लातूर से अरेस्ट कर लिया गया। मेरठ में सिपाही की बेटी पर पिटबुल अटैक, बच्ची को पैर चेस्ट में धंसाए दांत, बच्चे पड़ोसी ने किया बचाव। कानपुर के पहलवानों ने दी आंदोलन की चेतावनी, कहा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को सरकार जल्द दिलाए न्याय। सुल्तानपुर में पति पत्नी ने उठाए खौफनाक कदम, रात में दोनों के बीच हुई लड़ाई तो दंपति ने खा लिया जहर, हालत गंभीर। लखनऊ में मंदिर से लौट रही छात्रा को शहदे ने पीटा, राह चलते अश्लीलता की एफआईआर दर्ज। शादी से इनकार करने पर घर पर पथराव, लखनऊ में छात्रा ने गैर मजहब का होने पर बनाई थी दूरी, एफआईआर दर्ज। बलिया में आधार बनाने के लिए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, यूनियन बैंक के आधार फ्रेंचाइजी का कर्मी ले रहा था रिश्वत। जालौन में हेड कांस्टेबल ने किया सुसाइड, पुलिस लाइन में बने आवास के कमरे में लटकता मिला शव, पारिवारिक कलह बताई जा रही है वजह। सुल्तानपुर में कांग्रेसियों ने निकाला कैंडल मार्च, पहलवानों संघ बर्बरता के खिलाफ उठाई आवाज, जिलाध्यक्ष बोले पहलवानों के साथ। बदायूं में दरोगा ने फरियादी को पट्टे से पीटा, पैंट भी उतरवाई, वर्दी नहीं हाफ पैंट बनियान पहने हैं दरोगा। हापुड़ में 400 वाहनों पर 1.80 करोड़ राजस्व बकाया, बिना कर दिए सड़कों पर दौड़ रहे वाहन, वसूली के लिए जल्द जारी होगी आरसी। मऊ में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, शहर में सड़क के ऊपर हो रहा था अवैध निर्माण, नगर मजिस्ट्रेट ने की कार्रवाई। मेरठ में थाने के बाहर महिलाओं का हंगामा, कॉलोनी की महिला पर देह व्यापार का आरोप लगाए, कार्रवाई की मांग की है। मेरठ के युवक की गाजियाबाद में कार में मिली डेड बॉडी, दिल्ली में मार्केटिंग जॉब करता था युवक, घर का इकलौता बेटा था। आजमगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, इलाज के लिए ले जाते समय दौड़ा दम, सड़क पार करते समय लगी थी टक्कर। मैनपुरी में फंदे पर लटकता मिला युवक का शव, मौत से पहले पत्नी से फोन पर की थी बात, पिता बोले बेटा परेशान लग रहा था। मुजफ्फरनगर में बच्चों के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, सात भाई बहनों में सबसे बड़ा था। यूपी के 24 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट, यूपी में अभी भी दिखेगा पश्चिमी विपक्ष का असर।
बसपा के मेयर प्रत्याशी सलमान शाहिद का बड़ा बयान, बोले माहौल खराब करने का काम कर रही है भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती। बदायूं में बाइक सवार दो लोगों की ट्रक ने रौंदा, मौके पर हुई मौत, ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से हुआ फरार। अलीगढ़ में दहेज लोभी ससुराल जनों ने नवविवाहिता को बेरहमी से पीटा, पीड़िता ने इलाका पुलिस से लगाई मदद की गुहार। नई संसद के उद्घाटन के बाद सांसद वर्ग का बयान सामने आया, हिंदुस्तान मुल्क किसी एक का नहीं सभी का है, राष्ट्रपति को न बुलाना डेमोक्रेसी के खिलाफ है। कानपुर में थाने के अंदर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, बीजेपी नेताओं के हंगामे से बैकफुट पर पुलिस। पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगद गुरु श्री रामाभद्राचार्य से मिली सीएम धामी, रामाभद्राचार्य महाराज से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किए। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से मिले मुख्यमंत्री धामी, कहा पीएम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की 9 साल बेमिसाल। हरिद्वार में गंगा दशहरे पर स्नान के लिए देश भर से पहुंचे श्रद्धालु, गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। उत्तराखंड में शिकारियों के चंगुल में फंसे बाघिन हुई बुरी तरीके से घायल, पेट पर धंसा मिला तार का फंदा। उत्तराखंड में नाबालिग को भगाने के मामले ने पकड़ा तुल, दुकानदारों का विरोध तेज, कई ने छोड़ दिया शहर। ४६७ मेधावियों को सीएम धामी करेंगे सम्मानित, अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले शासन स्तर पर कसरत शुरू, सभी जिलाधिकारियों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश। उत्तराखंड में अटला कोटी के समीप हिमखंड आने से रोकी गई यात्रा, 2 घंटे बाद घांघरिया से भेजे गए श्रद्धालु। उत्तराखंड के 1114 गांव में फाइबर टू होम कनेक्शन से फ्री वाईफाई, जल्द बीएसएनएल को सौंपा गया जिम्मा। उत्तराखंड में 2 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम, जोकेदार हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। केदारनाथ में बढ़ रही तीर्थयात्रियों की भीड़, यात्रा के लिए 3 जून तक पंजीकरण पर रोक। डिजिटल भुगतान का बड़ा माध्यम बनकर उभरे जनसेवा केंद्र, 1 साल में 602 करोड़ रुपए का हुआ लेनदेन। विकासनगर जा रही यूटिलिटी अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत, एक की हालत गंभीर। हरिद्वार में ट्रैक्टर के ब्रेक फेल होने से हादसा, 2 वाहनों को मारी टक्कर, एक व्यक्ति की मौत व 2 घायल हुए। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलेगा रेडी टू ईट फूड, केंद्रीय एजेंसी से किया जाएगा टाइपअप। नाटो समिट से दूर रहे जापान, चीन ने कहा इतिहास से सबक सीखे जापान के प्रधानमंत्री, इलाके के अमन को दांव पर न लगाएं।
रूस का साथ देने पर मिलेंगे परमाणु हथियार, बेलारूस के राष्ट्रपति ने किया ऐलान। 1991 के बाद पहली बार विदेश धरती पर रूसी न्यूक्लियर वेपन। जापान के पीएम ने बेटे को सेक्रेटरी पोस्ट से हटाया, ऑफिशियल रेजिडेंस में दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाए, फ्रांस में सरकारी कार इस्तेमाल की। चीन पहली बार स्पेस में भेजेगा आम नागरिक, अब तक सिर्फ सेना के एस्ट्रोनॉट ही अंतरिक्ष गए, कल लॉन्च होगा मिशन। ऑस्ट्रिया में हिटलर का घर पुलिस स्टेशन बनेगा, मानवाधिकारों की ट्रेनिंग दी जाएगी, 2016 में सरकार ने इसे 7 करोड़ देकर खरीदा था। पाकिस्तान पर फौज की हुकूमत, इमरान बोले 70 साल आर्मी ही सत्ता पर काबिज रही, 9 मई की हिंसा में हाथ नहीं। नाटो के 25 शांति सैनिक घायल, कोसोवे में नगरपालिका भवन के बाहर सर्बों के साथ हुआ संघर्ष। फिलाडेल्फिया में भारतीय मूल के छात्र की गोली मारकर हत्या, लूट के प्रयास के दौरान किया गया हमला। रूस ने लगातार 2 रात के ऊपर बम बरसाने के साथ दागी मिसाइलें, 16 मई बार राजधानी को बनाया गया निशाना। उत्तर कोरिया जून में लॉन्च करेगा पहला सैन्य जासूसी उपग्रह, तैयारी पूरी, कई लोगों ने उत्तर कोरिया की उपग्रह क्षमताओं पर उठाया सवाल। पांच गुना तक महंगा हुआ हवाई सफर, गो फर्स्ट की 200 फ्लाइट बंद होने पर सिर्फ 68 नई उड़ानें बची। एयर इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, हर महीने 550 केबिन क्रू मेंबर्स और 50 पायलटों को भर्ती करे एयरलाइन। एमजी ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म वेरिएंट भारत में लॉन्च, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे 30 सेफ्टी फीचर्स। कुछ बैंकों के कॉरपोरेट गवर्नेंस में आरबीआई को मिली खामियां, गवर्नर बोले यह चिंता का विषय, इससे बैंकिंग सेक्टर में वोलेटिलिटी का खतरा होगा। सीबीआई ने रोल्स रॉयल्स के खिलाफ दर्ज किया केस, 24 हॉक और 115 एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप। हजार के नोट से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट में खारिज, बिना पहचान प्रमाण के जमा होते रहेंगे नोट, बीजेपी नेता अश्वनी ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। सात जून को लॉन्च होगी वॉल्वो X30 इलेक्ट्रिक एसयूवी, सिंगल चार्ज में 480 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है, एक्सपेक्टेड प्राइस। देश की पहली तिमाही में घटी बेरोजगारी दर, महिलाओं और पुरुषों के बेरोजगारी दर में आई गिरावट। चिदंबरम को सीतारमण का जवाब, कहा आरबीआई के निर्णय पर संदेह करना पूर्व वित्त मंत्री के लिए अच्छा नहीं। एडीबी ने श्रीलंका को 350 मिलियन डॉलर की सहायता को दी मंजूरी, अर्थव्यवस्था में आएगी स्थिरता। जडेजा ने आखिरी 2 गेंद पर 10 रन बनाए, चेन्नई चैंपियंस सीएसके ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता, धोनी ने रोहित की बराबरी की। आईपीएल 16 चैंपियन सीएसके को मिले 20 करोड़, हार के बावजूद जीते गुजरात के प्लेयर्स, 9 में से 6 अवार्ड अपने नाम किए।
फाइनल में हार के बाद निराश हुए कप्तान हार्दिक पांड्या, मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में हम काफी कुछ करते हैं, हम बहुत कुछ दिल से खेलते हैं। तुषार देशपांडे के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, एक सीजन में बनी सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज। धोनी ने जडेजा को गोद में उठाकर मनाया जश्न, चेन्नई के चैंपियन बनने के बाद धोनी जडेजा के साथ बाकी खिलाड़ियों ने जश्न का माहौल बनाया। चेन्नई की जीत के बाद डेविन कॉनवे बने प्लेयर ऑफ द मैच, बताए फाइनल मैच में क्यों हो गए थे नर्वस। धोनी ने एक बार फिर जीता फैंस का दिल, चैंपियन बनने के बाद ट्रॉफी लेने के लिए रायडू को किया आगे। पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में नहीं बीसीसीआई, एसीसी की बैठक में लिया जाएगा आयोजन पर फैसला। डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए कोहली ने शुरू की प्रैक्टिस, गेफनी और इलविंगथर होने ऑन फील्ड अंपायर, 12 जून को रिजर्व डे होगा। धोनी का बड़ा बयान, बोले 9 महीनों तक कड़ी मेहनत करूं और फिर वापस आकर आईपीएल का कम से कम एक और सीजन खेलूं। टाइगर श्रॉफ ने गाया तू मान मेरी जान सॉन्ग, फैंस हुए इंप्रेस, बोले कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। सावरकर बनने के लिए रणदीन ने घटाया 26 किलो वजन, 4 महीने तक सिर्फ एक खजूर और एक ग्लास दूध पर रहे एक्टर। एक्टिंग छोड़ना चाहती है ससुराल सिमर की एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़, बोली 10-15 साल से काम करती रही, अब हाउसवाइफ और मां बनकर रहना चाहती हूं। नकुल मेहता ने पिंक स्कर्ट पहनकर किया डांस, हवा हवा गाने पर लगाए ठुमके, फैंस बोले आप दकियानूसी सोच को बदल रहे हैं। राखी सावंत ने सारा अली खान को गोद में उठाया, रेड आउटफिट में की ट्रेनिंग, बेबी तुझे पाप लगेगा सॉन्ग पर किया डांस। जिंदगी डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइटर कविता पर बनेगी फिल्म, राष्ट्रपति दे चुके फर्स्ट लेडी अवार्ड, पूर्व आईपीएस अफसर की प्रताड़ना से छोड़ा खेल। वेब सीरीज रफू चक्कर का टीजर आउट, मनीष पॉल करेंगे ओटीटी डेब्यू, 15 जून से जियो सिनेमा पर होगी स्ट्रीमिंग। आदिपुरी सॉन्ग पर राम से आराम आउट, भजन की ट्वीन पर मनोज मुद्दशी ने किया रिएक्ट, प्रभास बोले गाने में बसती है फिल्म की आत्मा। सलमान के बाद आमिर ने रणबीर से लगाई उम्मीद, चैंपियंस के लिए किया अप्रोच, बीजी शेड्यूल के कारण सलमान ने छोड़ी फिल्म। पिता के आंसू पोंछती दिखी परिणीति चोपड़ा, भाई ने शेयर की सगाई की कुछ अनदेखी तस्वीरें, राजस्थान में कर सकते हैं शादी। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।